अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ऑन एयर विद नाज में आप सभी को खुशामदी। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको थोड़ा तारुफ़वादी करूँ। ये प्रोग्राम आप रोजाना पाकिस्तानी फेसबुक पेज से लाइव देख सकते हैं, और दरअसल इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कनाडा में मुकीम, खासकर रिजाना में मुकीम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इनके मसाइल हम सामने लेकर आएं, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौजूदात पे भी बात करें। और आने वाले अगले एपिसोड्स पे हम कुछ गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाएंगे जो एक्सपर्टीज की हैसियत से अपनी राय मौजू से रिलेट देंगे। आज का जो हमारा इस एपिसोड का जो मौजू है वो ये है कि इंडिया में कोरोना की तबाहकुन सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कनाडा में इंडिया और पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे फ्लाइट्स बैन कर दी गई हैं, और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान में भी दो केसेस कोरोना के रिपोर्ट किए गए हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि अपने साथ इस प्रोग्राम में आज अपने साथ दावत दूं सलमान खान को, जो मेरे इस मौजू में डिस्कशन का हिस्सा बने। जी सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वालेकुम जी सलाम फलक जी, क्या हाल वालेकुम है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने जो है ये मौजू सुने जिस पे आज हम डिस्कस करते, तो आपका आपकी क्या एनालिसिस है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप किस तरह देख रहे हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो कोरोना की सूरत हाल है उस हवाले से। जी फलक जी, आई थिंक मैंने अपना पर्सनली बादशाह का शो है उसमें मेरे साथ लकी होते हैं इंडिया से, उस पर भी हमने शो किया था। मैंने उनसे भी यही बात पूछी थी। लकी कह रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड बहुत बुरा हाल है इंडिया में। हम लोग जो जी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, मतलब वो तस्वीरें और वीडियोज़ देख के बड़ा दुख हो रहा है। डजेंट मैटर आप कहाँ से भी हो दुनिया में, किस जगह से बिलोंग करते हो, बड़ी दुखी किस्म की सिचुएशन इंडिया में इस वक्त हो गई है। आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की शदीद तरीके से कमी है, और लोग ये भी सुनने में आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का कैनिस्टर टैंक मिलता था 5,000 रुपये का, वो 40,000 रुपये में ब्लैक में बेच रहे हैं लोग, वो भी आधा। जी तो बड़ा टफ सिचुएशन है, और उस हिसाब से हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कैनेडा में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अलहमदिल्ला फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। एहतियात तो हर जगह ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जी बिल्कुल। अच्छा जो मुझे लगी समझ रहा है। मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करूंगी कि कल रात तक जो मैंने अपडेट्स देखी है, राउटर, बीबीसी और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया जो कवर कर रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंडिया में अब तक 400,000 यानी कि 4 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये कल रात तक की अपडेट्स है, हो सकता है आज सुबह से और मजीद बढ़े हो। लेकिन नहीं, इसके आप बिल्कुल साथ ठीक कह रहे साथ हैं। मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि हैरान कुन बात ये है कि कहा ये जा रहा है कि जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये इससे भी कहीं ज्यादा की उम्मीद आप रखें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं वो हाल फिलहाल वो अब तक ये 4 लाख के केसेस हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक जो रियलिटी है वो इससे कहीं दूर, कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और आई थिंक जो ये स्टैट्स जो दिखा भी रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं अर्बन जी प्लेसेस के, शहरी इलाकों के दिखा रहे हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ ये ट्रैक किया जा सकता है। अब मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देखता है इंडिया की, बीबीसी उर्दू ने कवर की है, न्यूज़ आर्टिकल, उसमें वो कह रहे थे कि जो स्लम्स हैं मुंबई के, जहाँ पे लाखों की आबादी पाई जाती है और एक एक जो कहते हैं 8.5-9-10 फुट के कमरे में सात सात लोग रह रहे हैं, वहाँ जी पे तो केसेस जो आए हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना जी क्रिटिकल सिचुएशन है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इस बात को अगर और एक्सटेंडेड वे में देखें तो वो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ये इंडिया में अब हम कोरोना वायरस की शक्ल देखते हैं और जो सेकंड वेव है वो आपको सबसे पहले बरतानिया में नजर आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल है कि ये इसकी एग्जिस्टेंस पहले से हमें नजर आ ही रही थी, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं आज से 2 महीने पहले की अगर आप सूरत हाल देखेंगे इंडिया में तो ऐसा सूरत हाल नहीं थी, इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ इस दौरान, सिस्टम का लूप होल है
या इस दौरान जो है वो मास गैदरिंग बहुत हुई है, जिससे जो है आज इंडिया, हमारे जो इंडिया में रहने वाले बहन भाई वो इस कदर परेशानी का शिकार नजर आते हैं। आई थिंक बाहर से बैठे हुए, ऊपर से हम दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो हम बाहर से ही सिचुएशन देख सकते हैं। जी तो जो अंदर से पता चल रहा है वो यही है कि बहुत रिलैक्स हो गए थे। इंडिया एक्चुअली बड़ा प्रोएक्टिव था पहले वेव में, और उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। सडन लॉकडाउन हुआ था, भले से 4 आवर में, 4 आवर का नोटिस दिया था मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन उससे क्या हुआ था कि कंट्रोल हो गया था। तो ये लोग थोड़ा अहेड थे, अब उससे क्या हुआ, कंप्लेसेंट हो गया, रिलैक्स हो गया, कहने लगे जी हम तो बहुत आगे हैं आराम से। तो इन्होंने जो इलेक्शन रैलियाज ओपन कर दी, जो रिलीजियस फेस्टिवल थे वो ओपन कर दिए, और आप और मैं जानते हैं पाकिस्तान से कि आपको पता है जब कोई जुलूस निकलता है हमारे मुल्कों में या रैलियाँ होती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाएँ, जी छोटी बिल्कुल। छोटी गलियों में बहुत बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, बस वही हुआ है। इसलिए अच्छा बिल्कुल ही एक सिचुएशन हो और, गई। जी, कहिए आप, कहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। और इन्होंने जो प्लान लगाने थे, जो जिसका फंड किया गया था जमा मोदी के प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, वो पैसे लगे नहीं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगे नहीं है। उल्टा इंडिया ने जो है 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करी है जनवरी में दूसरे मुल्कों को, अब वो मुश्किल में है, चलिए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन गई है। अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट रेस्ट होता है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो, आप उसमें वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग करना बेइंतहा मुश्किल है, ठीक है। बिल्कुल फिर उसके अलावा ये तो हमारी एक कल्चरल सिनेरियो हो गया कि आप अगर किसी से हाथ ना मिलाएं, अगर आप किसी को ग्रीटिंग्स ना दें तो वो बहुत ही बुरा मानेंगे, अपने जेस्टर में सही उनकी बात। एक नाराजगी जाहिर होगी, ठीक है। एक तो ये हमारा कल्चरल हिस्सा भी है, दूसरी बात ये है कि इंडिया यूरोपीय ममालिक, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो वाहिद साउथ एशियन कंट्री थी जिसने अनाउंस किया था कि वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया ने अपनी बिल्कुल वैक्सीन निकाली है। तो बिल्कुल जो है कहने का मकसद ये है, क्या लोगों का एतबार नहीं था, या लोगों का जो ट्रस्ट मेजरमेंट्स या जो ट्रस्ट इशू था वो नहीं हो सका जो वैक्सीन नहीं करवाई गई? क्योंकि वैक्सीन अगर मुकम्मल बाकायदा तौर पे होती तो मेरा ये ख्याल है कि इससे कदरे बेहतर सूरत हाल आज इंडिया में होती। दुनिया की 60% वैक्सीन इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये बात बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए जब मैंने ये पता चला। आपने एक बात की हमारे कल्चर की, इंडिया में वही कल्चर जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वही कल्चर इंडिया में, हम जब भी पाए बगैर रह ही नहीं सकते, जैसे कोई दोस्त नज़र आता है पहले हमने जाके उसे गले लगना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे कल्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब आपने वैक्सीनेशन की बात करी, वही बात मैंने आपको कही ना फलक जी, कि बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए इंडिया की गवर्नमेंट कि भाई बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है, हम संभाल लेंगे, हमने संभाल लिया है। तो उसमें जो लैक्स हुआ वहाँ पे, कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रा सा एक इन चाहिए था, वो मिल गया और अब वो आग की तरह फैल रहा है। पाकिस्तान में भी सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर आप देखें 70,000 केसेस हैं यहाँ, लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। इंडिया में जैसे आपने बताया 4 लाख से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, अब वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं हो रहे उनका तो कुछ पता ही नहीं है। जी अच्छा, इसके साथ साथ कल एक माहरीन जो है एक रिपोर्ट और पेश की है माहरीन की तरफ से, वो ये है कि मुमकिन इम्कान है कि जुलाई में या अगस्त में इंडिया में मजीद इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल देखने को मिले। तो बिल्कुल ये बहुत ही अफसर्दगी की बात है और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि हम सोशल मीडिया पे या हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबरों के जरिए या मुख्तलिफ ज़राए के जरिए वीडियोस और पिक्चर्स देख रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाली जो है वो पिक्चर्स वीडियोस हमें नजर आ रही हैं। तो बात यह है कि जरूरी इस वायरस में या इस जो बीमारी हमारे सामने आई है, अब जो दुनिया इस पूरी बीमारी के जकड़े में, वो ये है कि इलाज से कहीं बेहतर इसका एहतियात है। बिल्कुल और जो एहतियात है वो हाँ यही है कि आप अपना फिजिकल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इसके साथ साथ आप मास्क का इस्तेमाल बेइंतहा करें, सैनिटाइज करें। और जो जहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा सुसाइडल और जो है सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है, अवेयरनेस है होनी चाहिए,
और कल्चर को मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ मॉडिफाई या अडेप्टिव होना चाहिए। वो तो बड़ा मुश्किल होगा। कल्चर तो हमारा इतना ज़्यादा वो है, ख़तरनाक है कि वो, बल्कि बहुत अच्छा है। क्योंकि देखे ना, आप अगर कैनेडियन सोसाइटी को देखें ना फलक जी, मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बड़े ख़राब है। यहाँ पे वर्ड डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही नहीं है। वो सपोर्ट दोस्तों के, ये अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत दूर रखते हैं अपनी मेडिकल लाइफ से। और हमारे यहाँ जैसी कोई बीमार होता है, पहले पूरे ख़ानदान को आग की तरह पता चलता है। तो वहाँ का सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है आपके साथ, और यहाँ पे मोहल्लों को पता नहीं होता, पड़ोसी को पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो कल्चर तो बदलने बहुत मुश्किल है। हम उस कल्चर को पसंद भी करते हैं, और वही कल्चर थोड़ा सा अफेक्ट भी हमें कर रहा है ऐसी बीमारी में। अच्छा, मैं इससे पहले आगे अपनी बात करूँ, जो लोग शामिल हो रहे हैं आप लोग कॉमेंट्स दे सकते हैं, और वो हम स्क्रीन पर आपके लगा सकते हैं। फलक जी, अगर आप इजाज़त, तो मैं पूछ सकता हूँ लोगों से कि वो किस तरह अपने आप को सेफ रख रहे हैं कोविड के दौरान, बिल्कुल वो शेयर करें कमेंट में, हम स्क्रीन पे ला सकते हैं आपके कमेंट। जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप हमें जो है कमेंट्स के जरिए अपनी राय दे सकते हैं, और या आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोगों की जो आपका सवाल या आपकी राय शामिल की जाएगी आज इस प्रोग्राम में। साथ साथ हम बढ़ते हैं, ये इंडिया की सूरत हाल है। अब बात यहाँ पे याद, क्योंकि जहाँ इंडिया की बात आती है वहाँ पाकिस्तान की बात आती है, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है वहाँ इंडिया की बात आती है। हाँ, और जिस तरह पूरे दुनिया से, यूरोपीय ममालिक से, अरब रियासतों से इंडिया को जो है वो मदद की पेशकश की गई है, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो वक्त है वो बहुत गम ज़दा कम वक्त है। है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इंडिया को मदद की जो है वो पेशकश की गई है, पाकिस्तान की तरफ से भी। और हम ये देखते हैं कि ये एक इंटरनेशनल अफेयर जो है वो हमें डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ, लेकिन अब हमने पाकिस्तानियों के लिए भी ये अवेयरनेस करनी है ऐसा प्रोग्राम। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को भी अवेयर होना चाहिए कि देखें जो सूरत हाल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो लिविंग सिस्टम है, जो सोसाइटी सिस्टम है, वो सेम समहाउ सेम ही है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल एक जैसा ही है। तो जो बिल्कुल एक इंडिया में जैसा। आज सूरत हाल है, पाकिस्तान कल इस सूरत हाल से ना गुजरे, तो अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि मास गैदरिंग पाकिस्तान में भी बहुत आम है। और अब आने वाले कुछ ऐसे रिलीजियस इवेंट्स हैं होंगे, तो जिसमें बहुत जरूरी कि मास गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग हो, ताकि, क्योंकि पाकिस्तान में भी कल ये खबर आई कि 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं बिल्कुल कोरोना की बिल्कुल इस नई शक्ल के। तो क्रॉस मेरा ये ख्याल है कि हमें इस नए बात वेरिएंट पे के, जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, आपने बात शुरू की थोड़ी सी कि पाकिस्तान ने भी इंडिया को ऑफर करी हेल्प की। मैं थोड़ा सा जी पॉलिटिकल हो जाएगी बात की, मैं जरूर, जरूर कि इंडिया बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान से हेल्प ले। हालांकि बहुत कुछ बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस बात पे, जब इमरान खान ने ट्वीट जी किया कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो उससे बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंडियन पब्लिक से आ रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को, और मोदी मीडिया ने अपने आप को ऐसे कॉर्नर में पार्क कर दिया है फलक जी, कि वो अगर हेल्प जी लेंगे तो जिस बेस पे वो गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली इलेक्शन के दिनों में। तो वो बड़ा पोलिटिकल बन गया है। और दूसरी चीज़, जहाँ बात आती है कि पाकिस्तान हेल्प करना चाहता है, कई लोग, अब मेरे पाकिस्तानी भाई भी, वो कह रहे हैं यार आप कश्मीर की सपोर्ट की बात करें, आप कश्मीरों की सपोर्ट की बात करें, आप पाकिस्तान, इंडियन कह रहे हैं आप पाकिस्तानी के केसेस तो संभाल नहीं पा रहे, आप इंडिया की बात करें। तो मैं छोटी सी बात कहूँगा भाई, देखो पाकिस्तान की मिसाल इस वक्त ऐसे मुसलमान की है जिसके पास सिर्फ एक प्लेट खाने की रह गई है, उसमें से वो ये कह रहे हैं आधी तुम ले लो। तो यही हमारे नबी ने भी सिखाया है हमें कि जितना आपके पास उसका आप शेयर करें। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान के पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो जो अगर हमारी पाकिस्तान के से ऑफर आ रही है वो उखुवत की वजह से, जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हम वो करने जा रहे हैं। और बात, कई लोग फलक जी, लोग आके कहते हैं आप कश्मीर की भी बात करें, कश्मीर की बात करना तो हमारा फ़र्ज़ है, उस पर तो हमें रुकना चाहिए ही नहीं, और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी। और आई थिंक, लेकिन हम अगर एक शख्स जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसको मुसलसल मार पड़ रही है, आप उसको कश्मीर बोल दें, आप उसको कुछ भी बोल दें, उसको आवाज़ नहीं आनी उसको सिर्फ अपनी देखिए, तकलीफ मेरा, नज़र आ अच्छा, रही है। यहाँ पे मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये कहना है हाँ कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी को हम कुछ वक्त के लिए अलग रखते हुए पार रखें, कर दें, और हम ये बिल्कुल देखें कि ह्यूमैनिटी की खातिर, हम ह्यूमैनिटी इंसानियत फर्स्ट, की बिल्कुल खातिर, अगर पाकिस्तान जो है वो अपने भारत के बहन भाइयों को मदद करने की
की कोशिश करता है और ये पेशकश की गई है, तो इसको जो है डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी से अलहदा रखा जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ साथ। आपने कश्मीर की बात की, क्योंकि देखिए अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको कोई रोक टोक तो होता नहीं है, आप अपनी कोई भी नहीं राय होती, का सही बात। इजहार आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई एजेंडा या कोई इसमें गेट कीपिंग होती नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो है वो आपको मुख्तलिफ नैरेटिव नजर आएंगे, आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नजर आएगा, आपको पॉजिटिव व्यूज भी नजर आएंगे, इसके साथ साथ आपको एक हेट स्पीच नजर आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुश्किल की घड़ी में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में आप चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, या वो मुसलमान भाई बहन क्यों ना हो, वो अब एक इंसान होने की हैसियत से हमें उनके लिए दुआगो भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें इस बात के लिए भी एक यकजहती का इजहार करना चाहिए कि उनकी जो साथ अब कोरोना की सूरत हाल है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा सलमान साहब, जैसे बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, मैं थोड़ी सी एक बात छोटी करना चाहूंगी कि अब जो ये नई शक्ल कोरोना की आई है ये खतरनाक क्यों है, और ये इसके लिए क्योंकि इंडिया जिस तरह कंजस्टेड हो गया इस सेकेंड वेव में, तो ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई, इस वायरस में इतना जो है वो पावर और ग्रोथ क्यों हो रही है, तो आप कहें तो मैं इस पर बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, बात यह है कि जो हम 2019 में कोरोना की पहली शक्ल देखते हैं और जो 2020 में भी हमें नजर आई, तो वो आप कोरोना का स्टेज देखते हैं, और आप अब जो आपको कोरोना का स्टेज नजर आ रहा है जिसे हम ब्राजीलियन वायरस भी कह रहे हैं, जो हमें सबसे पहले यूके में भी नजर आया और अब वो इंडिया में हमें नजर आ रहा है, तो ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे। और मैं बताती चलूँ, दरअसल इस वायरस की वजह से जो है जब ये आपकी जब ये बॉडी में आता है तो पहले क्या होता था कि सिर्फ आपके लंग्स इफेक्ट होते थे, आप रिकवर भी कर जाया करते। कितने ऐसे केसेस आपने देखे सुने कि काफी सारे ऐसे पेशेंट थे जो फर्स्ट वेव में अगर इफेक्ट हुए भी तो रिकवर हो गए, लेकिन इस सूरत हाल में जो सेकेंड वेव अगर हम इंडिया की तरफ नजर डालें तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ज्यादातर यही शिकायत आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी के बाइस जो है वो मौत जो हो गई है, तो वो ऐसी क्या सूरत हाल है। बात दरअसल ये है कि ये वायरस जो है बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को थिक कर देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, उसकी आगे होना जरूरी है, उसकी कहते हैं ना कि खून पतला होना चाहिए ताकि उसकी हाँ रवानगी अच्छी ठीक है रहे, या तो वही बात है कि जब ये वायरस ब्लड में होता है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ब्लड के सेल्स की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है और ये थिक हो जाता है, और थिक होने के साथ साथ ये ब्लड जो आपके ब्रेन को, दिमाग दिमाग के साथ साथ दिल को और फेफड़ों को, लंग्स को जो ऑक्सीजन मिलनी होती है वो नहीं पहुंच पाती है, तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये आपके दिमाग दिल और फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही आप कहें कि परेशानकुन बात ये है कि इस बार इस कोरोना वायरस के वेरिएंट में म्यूटेशन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से है, कि बहुत तेजी से ट्रांसमिशन इसकी नजर आ रही है, तो बात यही है क्योंकि इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ पिछली बार से कहीं ज्यादा है, तो इसमें आपको एहतियात भी कहीं ज्यादा रखना है। देखिए बात यही आती है कि एहतियात बहुत जरूरी है। बेशक बिल्कुल। अच्छा गफर जी, मैंने ये भी सुना है कि जो ऑक्सीजन ले भी रहे हैं अपना, वो उसको सॉल्व नहीं करेगा, आपको तबीयत ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको सहारा देने के लिए ऑक्सीजन है ताकि आप सांस तो ले सकें, लेकिन वैक्सीन ही तोड़ है इसका। तो जो लोग कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, कनाडा में तो आपको पता है वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, वहां पे बेशक लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको फर्क पड़ रहा है। तो यहां मैं तो कहूंगा कि जितना ज्यादा वैक्सीन ले सकते हैं ले, जी अगर बिल्कुल, आपका मैं नंबर आ आपको गया इस है तो। बात में जी और मैं इस बात में एक और बात ऐड करूंगी, क्योंकि हमने अभी तक सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी और कल्चर के हवाले से भी बात की है, तो
तो देखिए जो मिजाज है ना इंडिया पाकिस्तान में, वो अफवाहों का भी मिजाज है कि एक अफवाह उड़ा दी जाती है बगैर पढ़े बगैर बिल्कुल समझे या बगैर तहकीक माशाल्लाह। किए। तो देखिए अगर आपने तहकीक नहीं की, अगर आपने आधी अधूरी कहीं से इंफॉर्मेशन पढ़ी है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि खुदा रहा उसको मत फैलाएं जब तक आपको मुकम्मल तौर पे तस्दीक नहीं हो जाती है। देखिए वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है, मैं उन बातों को, उस हेट स्पीच को, नैरेटिव को यहाँ इस प्रोग्राम में चलाऊंगी नहीं, लेकिन जो नैरेटिव वैक्सीन को लेके पाकिस्तान में खासकर चल रहा है, तो वो नहीं होना बोल दें घबराए चाहिए। नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हाँ देखिए वैक्सीन जो है वो हमारी सेहत के लिए, इस सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है। आप मुकम्मल तहकीक करें, इत्मीनान हासिल करें, फिर वैक्सीन करें, लेकिन वैक्सीन जरूर करवाएं। वैक्सीन से बहुत फर्क हो रहा है और वैक्सीन से बिल्कुल म्यूटेशन भी स्लो हो जाती है। बेस्ट एक्ट ऑफ डिफेंस वैक्सीन है इस वक्त, और जो जो अवेलेबल है जहाँ जहाँ जो लोग जाके करा सकते हैं प्लीज़ कराएं। अगेन ना फलक जी डॉक्टर है ना मैं, हम वही आपसे शेयर कर सकते हैं जो हम क्रेडिबल रिसोर्सेज के साथ से मालूम कर रहे हैं। लेकिन फलक जी, पाकिस्तान और बल्कि दुनिया भर में 50% बीमारियाँ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हो रही हैं और उनके 80% हल वहीं से मिल रहे हैं। ऐसा जी क्यों है? बिल्कुल हम अब ये जो ट्रैवल बैन पाकिस्तान पे लगाया है कनाडा ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, इस पर तो मैं आपसे करूँगा सवाल करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन ये फेसबुक पे रहूँ और व्हाट्सएप पे रहूँ तो ये इतना ज़्यादा क्यों है शोर कि लोग पता नहीं कोई कह रहा गर्म पानी पी, कोई लीमू का पानी पी लो, कोई कुछ पी लो, कोई कुछ पी लो, समझ नहीं आता क्यों है ऐसा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी यही बात कही कि हमारा कल्चर और मिजाज, देखिए बात ये है कि सोसाइटी, अगर आप दुनिया की दूसरी सोसाइटीज में देखें, हम कैनेडियन सोसाइटी की बात करें, हम इवन आप एमिरेट्स में चले जाएं, वहां पे भी आप अरबों को देखें, वो अपने आप को इतना अडेप्ट बना लिया है, वो अपने बिल्कुल आप को मॉडिफाई करते हैं वक्त साथ। तो हमें भी जरूरत है कि हमारे कल्चर को, हमारे मिजाज को, हमारे एटीट्यूड को, अपनी सोच को मॉडिफाई करने की जरूरत है। देखिए हमारा हरगिज से कहने का मकसद नहीं है कि आप अपने रवायतें और आप अपने रस्म रिवाज छोड़ दें, लेकिन मकसद ये है कि आप अपने आप को मॉडिफाई जरूर करें वक्त और हालात के साथ। अच्छा फलक जी, हम ये बात जरूर कहते हैं, मेरे कई फोरम्स में मैं शामिल रहा हूँ, लोग कहते हैं अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमारी तालीम नहीं बदलती, हमारी तरबियत नहीं बदलती, हमारी एजुकेशन नहीं बदलती, मतलब समझ रहे आप, तो हमारी सोच कैसे बदलेगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी जो है वो लोग पसमानदगी का शिकार हैं, जिसमें फरसूदा हम फिर कि निदान। हमारा हाँ बहुत सो हमारा कहीं और चले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टच करते हुए आगे चलूं कि पसमानदगी का शिकार है, चाहे वो आप सोच कह लें, आप वो सिस्टमेटिक लूप कह लें, और इसमें जो है आपको नजर आता है कि इसलिए देखिए बात यही है कि जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, आपको शऊर हासिल नहीं होगा, और जब आपको शऊर हासिल नहीं होगा तो आपकी जो थिंकिंग सिस्टम है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपका डेवलप नहीं होगा, और जब तक आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगा तो आप दुनिया के साथ कैसे शाना बशाना चलेंगे, आप इसी तरह पसमानदगी में रहेंगे और इसी तरह से आप जो है हालात का शिकार रहेंगे। किसी समझदार इंसान ने कहा है ना कि शऊर और शोर में सिर्फ ऐन का फर्क है, जी तो बिल्कुल थोड़ी सी, और सही ऐन है से आती है तालीम, इल्म, इल्म आता जी, है ऐन से, तो इल्म हासिल कर ले, शऊर और शोर का ऐन मिल जाएगा आपको, शोर आपका शऊर में बदल जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं अपने जो है अगले मौजू, इसी इंटरकनेक्ट मौजू की तरफ, वो है कि ट्रेवल बैन। ट्रेवल बैन के हवाले से हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि कनाडा ने पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट्स बैन कर दी है, बिल्कुल तो कुछ इसमें काफी रिपोर्ट्स एनालिसिस आए हैं एक्सपर्टीज की तरफ से कि जो ट्रैवल बैन हुआ है वो कितना जस्टिफाइड है, मुफीद है, तो इसमें आपकी क्या राय है? अगेन, मैं अपनी पर्सनल राय दे सकता हूँ, कोई एजुकेटेड राय नहीं है, मुझे नहीं पता कनेडियन गवर्नमेंट की क्या अंदाज़ा था, लेकिन जो रिसर्च के बाद मुझे पता चला वो ये कि पाकिस्तान एक तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ये उसी तरह का एक्ट है कि यूएस का बॉर्डर कनाडा ने बंद कर दिया है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जी तो बिल्कुल इंडिया के जिस तरीके से केसेस फैले हैं उससे पाकिस्तान अफेक्ट हो सकता है। किस तरीके से? कि पाकिस्तान में भी उतनी ही पॉपुलेशन कम एरियाज में पाई जाती है। अगर आप पाकिस्तान का पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन, पर स्क्वायर मीटर किलोमीटर देखें तो इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना, फिर पाकिस्तान।
तो रिस्क फैक्टर हाई है कि अगर आप जरा सा वायरस होगा तो जल्द से जल्द काफी लोगों में फैल सकता है, ये रीजनिंग है। अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हुए हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया के स्टूडेंट्स की फ्लाइट अलाउ की जा रही है और इंडिया से वापस आने दिया जा रहा है उनको। अच्छा देखिए, एक्सपर्टीज की ये राय है कि देखें, अब जो ट्रैवल बैन हुआ है, अगर हम कनाडा के कनाडा में रहने वाली हैसियत से बात करें कि कनाडा हम शहरी हैं और यहाँ पे हम मुकीम हैं, तो अगर हम इस एस्पेक्ट पे बात करें तो देखा नजर ये आता है कि एक्सपर्टीज तो ये कह रहा है कि वक्ती तौर पे इसका फायदा है कि जो कनाडा और पाकिस्तान से जो फ्लाइट बैन हुई है, और लेकिन इसका लॉन्ग टर्म हमें कोई भी एडवांटेज हाल फिलहाल नजर नहीं आता। उसकी वजह दो तीन उन्होंने ये बताई है कि ये जो आपको ट्रैवल बैन नजर आता है, ये डायरेक्ट फ्लाइट्स का बैन है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके कनाडा में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बाय एयर इंडिया और पाकिस्तान से। इनडायरेक्टली अलबत्ता आप कनेक्टेड फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं, तो जब आप कनेक्टेड फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं तो इसमें आपको लूपहोल नजर आ जाता है कि इस पॉलिसी में, या आप ये कह लें कि इस अभी जो हमारे सामने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आई है, तो इसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ अच्छा, हम थोड़े पास्ट में भी अगर बात कर ले, पास्ट में भी आपको ये बात नजर आएगी कि जब यूके में ये हमने सेकेंड वेव और ये कोरोना की जो अपडेटेड वेरिएंट देखा था, तो यूके के साथ भी कनाडा ने अपनी फ्लाइट्स बैन की थी और जिससे हमें फर्क नजर आया था। लेकिन खौफनाक बात यह है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि कनाडा में भी कोरोना वायरस की दो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन इसका नए ऑफिशियल वेरिएंट अभी वाले। हाँ अनाउंस, जी बिल्कुल, और इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये दो केसेस ऑन्टेरियो में रिपोर्ट किए गए हैं लेकिन अभी तक इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी एक पेशकश थी कि फ्लाइट्स बैन कर दी गई है, लेकिन इस पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। और मजीद इसके साथ साथ ये भी है कि अगर मैं आपको एक और खबर बताती चलूं कि क्योंकि ये ट्रैवल बैन जो है वो बाय एयर किया गया है, बाय लैंड नहीं है, तो अमेरिका से जो बॉर्डर है और दूसरे ममालिक से जो बॉर्डर है वो वहां पे आप सूरत हाल अब देखें, आजकल में देखें तो बेइंतहा गहमागहमी की सूरत हाल है। ट्रैवल बिल्कुल, जो एब्सोल्युटली है एब्सोल्युटली वो प्राइवेट टैक्सीज के जरिए हो रहा है, और प्राइवेट टैक्सी के जो ऑनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कि लोग बॉर्डर से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि मैं खुद बड़ा क्लोज रहता हूँ बॉर्डर के। यहाँ से 12 मिनट दूर है यूएस का जी बॉर्डर, नॉर्थ डकोटा का, और कई लोग मैं देखता हूँ जो आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कई वैक्सीनेटेड हैं ये मैं बता दूँ। जी और जो मुझे पता चला कि यूएस से जो न्यूज़ कल ही मिली है कि अगर आप वहाँ पर वैक्सीनेशन करवा लें, अपनी 2 डोजेस करवा लें, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो वो जो फ्रीडम वहाँ पर जी दे दी गई है वो हमें बड़ी बुरी लग रही है, लेकिन वहां वेरिएंट नहीं है, यहाँ वेरिएंट आ गया जैसे आपने भी बताया। तो आई थिंक एहतियात एहतियात तो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अगेन रिलीजन को मैं नहीं ला रहा चाह बीच में, लेकिन अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखें तो हुजूर सल्लम का बयान भी है, हदीस शरीफ है कि ऐसे इलाकों में मत जाओ जहाँ पे कोई वबा फैली हुई हो, उनसे दूर रहो। तो ट्रैवल तो हमें वैसे ही नहीं करना चाहिए था, अब हम कर रहे हैं और हम अपने आप को खुद ही मुश्किल में डाल रहे हैं हर देखिए, चीज़ इसके के साथ साथ। साथ एक और बात भी ये है कि मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, या आप ये कह लें कि व्यूज मैंने देखे हैं कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियंस के आज ही ट्रैवल क्यों बैन कर दिया गया पाकिस्तान से और इंडिया से। बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान और कनाडा बड़ा ही इंटरकनेक्टेड है। आप बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट देखेंगे जो इंडिया पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो ये बात ठीक है अगर आप इसको एक सोसाइटी की सफरिंग देख लें कि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स कनाडा में हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स आपके बैक होम कंट्री में हैं, तो वो तो सफरिंग है, लेकिन आप इस बात के साथ साथ ये भी यकीनी बनाएं कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने वापस आके क्वारंटीन हर हाल में करना है। देखिए क्वारंटीन का फायदा बहुत है, और क्वारंटीन से जो है आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी बॉडी की जो सूरत हाल है वो वाजे हो जाती है, और उस हिसाब से फिर आप आगे प्रोसीजर करते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा एक छोटा सा मैं आप पे ही सवाल कर रहा हूँ उल्टा, कि सिचुएशन क्या है आपकी इस वक्त रिजायना में, आप रिजायना में वहाँ क्या सिचुएशन है?
देखिए रजाना में जो अभी हम सूरत हाल देखते हैं वो ये नजर आ रही है कि यहाँ पे हाउस होल्ड बबल्स को अलाउ नहीं किया गया है कि एक्सपेंड हो, जितने भी हाउस होल्ड हैं वो अपने अपने घरों में रहें। और इसके साथ साथ अगर आप जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलीजियस इवेंट या गैदरिंग नहीं हो रही है, चर्च बंद है, ऑनलाइन चर्च सेरेमनीज हो रही हैं। और अगर आप मस्जिदों की बात करें तो मस्जिद में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन के जरिए जाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की, जिसमें आप मार्ट्स वगैरह या शॉपिंग की बात करें, तो उसमें जो है वो आप फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क इज मैंडेटरी, इन सब का खास ख्याल रखा तो जा रहा है। और हाँ, रेस्टोरेंट्स की है कि रेस्टोरेंट्स भी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं कि बंद हैं, जिसमें टेक अवे और डिलीवरी। बात कहने का ये है मकसद कि यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नजर आ रही हैं, फॉलो करते हुए रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो इजी डाउन नहीं किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि इस चीज को मजीद आगे कुछ और चंद महीनों के लिए रखा जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। बड़ी टफ सिचुएशन है फलक जी। आई थिंक अल्लाह करे ये हालात बदले। 1 साल से ऊपर हो गया है इस बीमारी के, सुनते सुनते थक भी गए, लेकिन जब थक जाता है एक नया वेरिएंट आ जाता है तो एकदम से बंदा फिर परेशान हो जाता है। मतलब बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। अब थोड़ा सा मैं आपके प्रोग्राम पे आता हूँ फलक जी। क्या क्या गोल है इस प्रोग्राम का? आज पायलट प्रोग्राम था, लॉन्च कर दिया आपने, आगे क्या प्लान्स हैं? जी देखिए, आज का जो हमारा मौजू था उस पर हमने गुफ्तगू की है, और उम्मीद है कि इस डिस्कशन से बहुत कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आपके अवेयरनेस आई होगी या आपकी सोच में कुछ तब्दीली, एक कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव तब्दीली आई होगी। अच्छा, बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपने पूछा, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम का तारुफ करवाया था। तो बात यह है कि देखिए, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये लाइव प्रोग्राम हम रोजाना पाकिस्तानी फेसबुक पेज से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मजीद भी आगे आप देख सकते हैं। इसका स्केड्यूल जो अब हमने डिसाइड किया है वो हर जुमरात रात 9 बजे रोजाना के टाइम पर हम आया करेंगे, और इसमें मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम किसी सोशल या इकोनॉमिक या आप ये कह लेंगे पॉलिटिकल इशू पर ही बात करेंगे। ये एक ओपन प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और मेरी ये कोशिश होगी कि अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी गेस्ट स्पीकर को भी बुलाया जाए, जिसमें हम उनकी एक्सपर्टीज की राय की हैसियत से उनकी राय लें, और लोगों में जो अगर कोई सवालात हैं तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी कि पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं और साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो रिजायना में खासकर मुकीम है, उनके मसाइल, अगर वो कोई मसाइल पेश कर देख रहे हैं और उनके सामने आ रहे हैं, तो फिर हम बात करें, गुफ्तगू करें। बिल्कुल। आई थिंक छोटी सी क्वेश्चन, रिजाना पाकिस्तानी जो लोग जुड़े हुए हैं 2017 से, जब ये लॉन्च किया था 2017, आई थिंक 18 की बात है, 2018 में फलक जी ये लॉन्च किया था हमने रिजाना पाकिस्तानी का ग्रुप। गोल ये था, अल्हम्दुलिल्लाह पीसीसीए की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है रिजाना में और बहुत काम करते आ रहे हैं सालों से। अफजाल सिद्दीकी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं उनकी प्रेजेंटशिप में। लेकिन रिजाना पाकिस्तान का ग्रुप ऐसा था कि जहाँ पे कम्युनिटी इकट्ठी हो सके, किसी को जॉब की ज़रूरत है वो बता सके, किसी के घर में कोई मसला या तकलीफ वो बता सके, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है वो बात कर सके, कोई बिज़नेस करना चाहता है वो प्रमोट कर सके। लेकिन एक और मकसद ये था कि एक सम पॉइंट पे जब ये ग्रुप इतना बड़ा हो जाए तो हम किसी तरीके से कम्युनिटी के लिए वापस कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, और ये एक उसकी छोटी सी कोशिश की कड़ी है। जी बिल्कुल, अगर सही हम कह रहा इसको हूँ? हाँ, एक लाइन में समअप करें, इट्स अ वॉइस ऑफ कम्युनिटी। बस वॉइस ऑफ कम्युनिटी। हमें आपने नाम बड़ा अच्छा बता दिया मुझे। अब चले, खैर है, छोड़े। अच्छा, फलक जी अगला शो 9 बजे थर्सडे को, क्या टॉपिक है कोई दिमाग में जो हम बता सकें व्यूअर्स को ताकि वो शामिल हो सकें? जी सवाल हमने भेज जो सकते टॉपिक डिसाइड किया है वो ये है कि अभी मैं अनाउंस भी कर देती हूँ अपना टॉपिक, उसके बाद जो है हम थंबनेल भी लगा देंगे ताकि आज जो आपने प्रोग्राम अगर मिस किया है तो आप बाद में भी देख सकें और अगले आने वाले टॉपिक पे भी आप प्रिपेयर रहें। वो ये है फलक अपने जी, व्यूवर्स को मैं, जी बोलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक कॉलर हमारे साथ शामिल हुए, फारूक भाई, फारूक सिद्दीकी। जी फारूक भाई सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फलक जी से कोई सवाल आपका?
जी कोविड के दौर किनसे पर सवाल कर फलक। किस सॉरी अच्छा फरुख भाई, मैं शुरू आपने के कल अंत शो में किया बोल स्पोर्ट्स देता। ट्रेंड में बड़ा जबरदस्त किस्म का, उसमें जी जी डॉक्टर जी आपके साथ शामिल हुए थे, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीनेशन पे कुछ बिल्कुल बातें करी हैं, क्या कहते हैं बिल्कुल की वो? उन्होंने। एक सवाल वहां पे आया था कि हलाल और हराम, क्या ये हाँ वैक्सीनेशन की इंग्रेडिएंट हलाल है या हराम है? हम लोग हलाल काम करने में माहिर हैं, लेकिन हलाल खाने से हम जरा कोशिश करते हैं कि हम उस पर टिके रहे। तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? यार उन्होंने तो जवाब ये दिया था कि बिल्कुल हलाल है, कोई इसमें इशू नहीं है। तमाम उलमा जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बिल्कुल हलाल है, और इवन के ड्यूरिंग रमजान रोजे में भी आप लगवा सकते हैं उसको। कुछ जरूरी नहीं कि आपका उस दिन रोजा ना हो, अच्छा तो रोजा नहीं बिल्कुल टूटेगा। ऐसे। क्योंकि वो आपको याद हो, जुनेद इकराम हमारे एक कॉमेडियन है पाकिस्तान के, जी 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 वो जुनेद भाई को अकबर, पता नहीं कहाँ से सवाल लेके आ गए थे कि किसी भाई ने उनसे पूछा था कि भाई ये लग रहा है कि इसमें जो है वो किसी ने उड़ा दी, कि इस वैक्सीनेशन में जो है वो शैतान का मूत्र शमाल डाल दिया। तो ये मैंने कहा ये सुनाया पता नहीं तो इस पे पहले मैंने तो मिला पूछा कहां से तो नहीं नहीं बिल्कुल जबरदस्त। शुक्रिया यार आप आए कल, वो क्रिकेट पे आपको बुलाया था लेकिन डॉक्टर साहब आ गए तो टाइम उस पे लग नहीं, बहुत गया। शुक्रिया लेकिन बहुत ये कि शुक्रिया, आप जरूर दोबारा जल्दी उस प्रोग्राम में आइएगा हमारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरुख भाई, फलक जी, मैं बता दूं जो व्यूअर्स भी हैं, स्पोर्ट्स ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त चैनल टोरंटो से चलाते हैं, सालों से चला रहे हैं, और बड़े अच्छे यूनिक टॉपिक्स उसमें भी वो लेकर आते हैं। फरुख भाई बहुत शुक्रिया शामिल होने का, थैंक यू असल मान सॉरी फलक जी, ओवर टू जी। यू। तो हम प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत खुशी हुई कि हमारे एक और साथी फरूख साहब जो है वो उन्होंने शिरकत की और अपने व्यूज शेयर किए। और ये बात भी है कि एक देखिए बात ये है कि लोगों के बहुत पर्सपेक्टिव हैं और हम जो है सिर्फ ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ रिसोर्सेज से और रेफरेंसेस से उनके सवालात और जवाबात का एक मरहला हम ला सकते हैं। जैसे अभी फरूख साहब ने बताया कि वैक्सीन के वाले से जो सवाल हुआ, तो हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आने वाले हम एपिसोड में बात करेंगे ड्राइविंग के हवाले से। ये थिकली प्योरली रिजाना में रहने वाले जितने भी लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, क्योंकि रिजाना का खास कर जो वेदर है वो बहुत हार्ड वेदर है। और यहाँ के वेदर में जब सर्दियाँ सख्त होती हैं तो यहाँ के वेदर में ड्राइविंग बहुत ट्रिकी और चैलेंजिंग हो जाती है। तो खास कर जो बिगनर्स के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में भी आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। बिल्कुल फलक, कुछ कम्युनिटी के बिजनेस हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं हमें, और चाहते हैं कि उनका ब्रांड जाना पाकिस्तान इस कम्युनिटीज़ के और इस प्रोग्राम के थ्रू मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। सेंट्रल फूड्स उसमें एक शामिल है, रियान बड़े अच्छे दोस्त हमारे, रियान भाई, और आपके अगले प्रोग्राम के लिए जो क्रेज़ी फोर ड्राइविंग स्कूल के अशर रिजवान भी आएंगे, तो ये कुछ नाम है जो जी हमारे साथ इंशाल्लाह वक्ता फ़वक्ता शामिल होते जाएंगे। इनके लोगोज आप देख सकेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम से हमारे उसमें, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका लोगो लगाया जाए प्रोग्राम में तो आप मुझे रीच आउट कर जी सकते हैं, नंबर आपके सामने नीचे स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, और आप सब जानते हैं रिजाना पाकिस्तान को मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपसे टच हो जाएंगे। बहुत कितना शुक्रिया। ज़रूरी राउंड अप है करते हैं जी 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 मैंने फरोज जी, कहा कितना राउंड अप ज़रूरी है करते कम्युनिटी हैं। बिजनेसेस को रीच आउट? हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हाँ 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 नहीं सॉरी आपका सवाल आ रहा था, मैंने मिस कितना कर ज़रूरी है दिया। कम्युनिटी के बिजनेसेस को प्रमोट करना? देखिए ये बात तो बहुत जरूरी है कि जो ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि जो भी हमारे यहाँ या रिजायरा में हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड जो बिजनेस हैं, चाहे वो लोकल बिजनेस हैं या वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये हमारा ही काम है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हम हमें बाकायदा एक प्रोग्राम भी करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो इंशाल्लाह हम आगे जरूर इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम और जी। तो प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं इसी बात के साथ कि इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे जुमरात की रात 9 बजे रोजाना टाइमिंग पे। और आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारी हौसला अफजाई की। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी होस्ट फलक आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।